अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा फिजैद, बात कीजिए कि IL T20 लीग है जिसमें शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद आफर ने कुछ दिनों पहले पावर प्ले में बॉलिंग की थी, उसकी हर तरफ धूम थी मची थी और उसके बाद जो है उनकी टीम 3 मैच हार गई। तो आज बात कीजिए, आज मोहम्मद आमिर इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद आज मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी दोबारा खेले हैं, लेकिन आज मोहम्मद आमिर ने शानदार बॉलिंग की है। 3 ओवर्स में 26 रन दिया और 3 विकेटें ली हैं। आखिरी ओवर में उन्होंने पहले बॉल पर 1 रन बना, फिर 4 रन, फिर 2 विकेटें और फिर मिस किया और फिर विकेट लिए। 1 रन आउट हुआ, 2 विकेटें लिए और ओवरऑल 3 विकेटें लिए हैं मोहम्मद आमिर ने। शानदार बॉलिंग की है उन्होंने मुसलसल। मोहम्मद आमिर जो है शानदार बॉलिंग करे। दूसरी तरफ शहनशाह अफरीदी को आज ठीक ठाक जिस कहते हैं ना पटाई पड़ी है, 4 ओवर में 40 रन पड़े हैं। और मोहम्मद शहनशाह अफरीदी के बारे में मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बॉलिंग ठीक करनी पड़ेगी, वरना मैंने पहले भी बात की है कि पाकिस्तानी हवा मिनटों में स्टार तो बना देती हैं, अगले मिनटों में आपको भूल भी जाती हैं। तो ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। शहनशाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस देख ले, स्पीड जो है 130 131 पे आपको विकटें नहीं मिलेंगी, आपको बैट्समैन अच्छे को आपको आउट करने के लिए 145 140 प्लस से बॉलिंग करनी पड़ेगी, तब इस तरह की बॉलिंग से आपको विकटें नहीं मिलेंगी। इस तरह की बॉलिंग से 1-2 मैच में तो आप अच्छी बॉलिंग कर लेंगे या विकटें ले लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट सी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आउट पर प्ले में भी आपको बॉलर्स उठा उठा के छक्के मारेंगे, जैसा फिन एलन ने किया है, बेकर में 24 रन बढ़े, पेस ही नहीं थी वो इस तरह बैट्समैनों ने, तो आपको खुल खुल के छक्के चौके मारने।